तो स्वागत है आप सभी का फिल्मी अपडेट्स के एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप सभी को बॉलीवुड और साउथ के लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। इस वीडियो में आप सभी को KGF चैप्टर 3, सालार, डंकी, एनिमल, टाइगर 3, यस 90, डबल स्मार्ट, ईगल और बहुत सारी फिल्मों की अपडेटें मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए। शुरू करते हैं। तो फाइनली ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि सालार 22 दिसंबर 2023 को आएगी, यानी कि प्रभास और प्रशांत नील की इस फिल्म का क्लैश शाहरुख खान और राजकुमार ईरानी की फिल्म डंकी के साथ होने वाला है। फिल्म से एक नया पोस्टर भी आउट हुआ है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हो। पोस्टर देखने में बहुत ही सही लग रहा है। तो इस साल का सबसे बड़ा क्लैश 22 दिसंबर 2023 को होने वाला है। तो आप सब किस फिल्म को सपोर्ट करने वाले हो, कौन सी फिल्म देखने वाले हो, आप सभी को लिखकर बताना है, डंकी या सालार। सालार और सालार 2 फिल्म के बाद होमले फिल्म्स KGF 3 पर काम शुरू कर देगी, ऐसी अपडेट्स आ रही है। KGF 3 फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली है। फिल्म को प्रशांत नीले डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि पिछली दोनों फिल्मों को अपना दमदार डायरेक्शन दिए थे। KGF चैप्टर 3 फिल्म KGF चैप्टर 2 का प्रीक्वल होने वाली है, जिसमें हम सभी को दिखाया जाएगा कि रॉकी भाई 1978 से लेकर 1981 के बीच में बाहर के देशों में क्या क्या क्राइम किए थे, वही सब हम सभी को KGF 3 में दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग KGF चैप्टर 3 फिल्म 2025 में रिलीज होगी। वैसे सालार 2 फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कंप्लीट की जा चुकी है। शाहरुख खान की डंकी फिल्म ओवरसीज मार्केट में एक दिन पहले रिलीज होगी, यानी कि ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में 21 दिसंबर को रिलीज होगी। वहीं इंडिया में ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। आप सभी को पता है ओवरसीज मार्केट में SRK की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही तगड़ी कलेक्शन करती है। वहीं राजकुमार ईरानी सर के ट्वीट के हिसाब से डंकी फिल्म का ट्रेलर बहुत ही जल्दी आउट होने वाला है। फिल्म का प्रमोशन भी बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। आलिया भट्ट की नई फिल्म अनाउंस हुई है। इस फिल्म का टाइटल जिगरा होने वाला है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसको वसन माला डायरेक्ट करेंगे। वहीं फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये फिल्म 27 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। वसन माला इस फिल्म के डायरेक्टर है, तो फिल्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी, कभी भी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रॉकिंग स्टार यश की अगली फिल्म की अनाउंसमेंट अक्टूबर में होने वाली है। KGF 2 के बाद सभी यश की अगली फिल्म का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। यस 90 को मलयालम डायरेक्टर गीता मोहनदास डायरेक्ट करेंगी। इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर से शुरू हो सकती है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो नाम की एक नई फिल्म अनाउंस हुई है। इस फिल्म में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी लीड रोल्स में दिखाई देंगी। फिल्म को ड्रीम गर्ल फ्रेंचाइज के डायरेक्टर राज सांदेलिया डायरेक्ट करने वाले हैं। ये फिल्म एक मसाला एंटरटेनर फिल्म होगी, जो कि 90s में सेट होगी। ये फिल्म 2024 में रिलीज की जाएगी। डबल स्मार्ट फिल्म से एक नया पोस्टर आउट हुआ है। डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ के बर्थडे पर पोस्टर में आप संजय दत्त और राम पोथनानी को देख सकते हो। डायरेक्टर साहब के साथ राम और संजय दत्त का ड्रेसिंग काफी कमाल का लग रहा है। ये फिल्म 2019 में आई सुपर हिट फिल्म स्मार्ट संगर का सीक्वल होने वाली है। ये फिल्म 8 मार्च 2024 को रिलीज होगी। वैसे ये फिल्म तेलुगु के साथ साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में भी रिलीज होगी। गोस्ट फिल्म हिंदी के अंदर भी आने वाली है, इसके अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। ये फिल्म 19 अक्टूबर को कन्नड़ा के साथ हिंदी और कुछ और भाषाओं में रिलीज होगी। गोस्ट फिल्म को हिंदी में पैन स्टूडियो रिलीज करेगी। ये फिल्म एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें शिवा राजकुमार, अनुपम खेर, जयराम दिखाई देंगे। ओरिजिनल गैंगस्टर। रवि तेजा की मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का ट्रेलर 3 अक्टूबर को आउट होगा। वहीं ये फिल्म 20 अक्टूबर को आने वाली है। वहीं इनकी आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म ईगल, जिसमें इनके साथ अनुपमा परमेश्वरन दिखाई देंगी, वो फिल्म 13 जनवरी 2024 को आने वाली है, संक्रांति के मौके पर। फिल्म से एक नया पोस्टर भी आउट हुआ है, जो कि आप सब देख सकते हो। भाई साहब, संक्रांति के मौके पर बहुत सारी फिल्में आ रही है, बहुत ज़्यादा फिल्में आ रही है। अयलान फिल्म, जो कि इस साल दिवाली के मौके पर आने वाली थी, अब ये फिल्म पोंगल 2024 को रिलीज होगी। फिल्म फिर से पोस्टपोन हो चुकी है। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें शिवा कार्तिकेयन और रकुलप्रीत सिंह मेन लीड में हैं। वहीं चियान विक्रम की स्पाई थ्रिलर फिल्म ध्रुवा नक्षत्रम 24 नवंबर को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी। ये फिल्म सिर्फ तमिल के अंदर आ रही है। दुलकर सलमान की पैन इंडिया प्रोजेक्ट लकी भास्कर में इनके साथ मीनाक्षी चौधरी दिखाई देंगी। फिल्म के डायरेक्टर वेंकी एटलूरी हैं, जिनकी आखिरी फिल्म वाती सर एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। वैसे ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। VD30 फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक पोस्टर काफी जल्दी रिलीज होगा, ये कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। वैसे इस फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ मुन्नाल ठाकुर दिखाई देने वाली है।
विष्णु मंचू की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म भक्त कनप्पा फिल्म में प्रभास और लेडी सुपरस्टार नयनतारा कैमियो रोल्स में दिखाई देंगी। फिल्म में प्रभास भगवान शिव जी के रोल में, वहीं नयनतारा माता पार्वती के रोल में नजर आएंगी। फिल्म को मुकेश कुमार सिंह डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्टर ए आर मुर्गदास की नेक्स्ट फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है। फाइनली उनके बर्थडे के मौके पर 2020 की दरबार के बाद ये इनकी अगली फिल्म होगी। ए आर मुर्गदास काफ़ी सारी बेहतरीन और सक्सेसफुल फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म में शिवा कार्तिकेयन लीड रोल में दिखाई देंगे। शिवा कार्तिकेयन के साथ फिल्म में मुन्नाल ठाकुर दिखाई देने वाली हैं। फिल्म में रॉकस्टार अनिरुद्ध का म्यूजिक होगा। ये फिल्म 2024 तक आने वाली है। अभी ये फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। RX 100 फिल्म के डायरेक्टर अजय भूपति की मंगलवारम फिल्म 17 नवंबर को तेलुगू के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में भी रिलीज होने वाली है। वैसे इस फिल्म में पायल राजपूत मेन लीड में दिखाई देंगी, जो कि RX 100 फिल्म में भी दिखाई दी थी। विजय देवरकोंडा और समंता की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म खुशी की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 1 अक्टूबर को रिलीज होगी। वैसे ये हिंदी के अंदर भी आ रही है। लियो फिल्म का सेकंड सिंगल यानी कि दूसरा गाना आउट हो चुका है, बैड एस सुनने में बहुत ही सही लग रहा है। टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म और स्पाई यूनिवर्स की पांचवी फिल्म टाइगर 3 का टीजर आ चुका है, यानी कि टाइगर का मैसेज आ चुका है। ये देखने में बहुत ही बवाल लग रहा है। इस टीजर में जितने भी एक्शन सीक्वेंस की झलक दिखाई गई है वो भी बवाल लग रहा है। ये फिल्म 10 नवंबर को आने वाली है, दिवाली के मौके पर। अगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। एनिमल फिल्म का भी जबरदस्त टीजर आउट हो चुका है। भाई साहब, टीजर से ही लग रहा है ये फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस टीजर को मैं 10 से 12 बार देख चुका हूँ और सभी बार मुझे मजा आया। BGM, रणवीर कपूर, बॉबी देओल सभी लोग कमाल के लग रहे हैं। टीजर से क्लियर हो रहा है कि ये फिल्म में हम सभी को भरपूर वॉयलेंस देखने को मिलेगा। ये फिल्म 1 दिसंबर को आने वाली है। पापा, ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है। टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन और कृति सनन की फिल्म गणपत का भी टीजर आउट हो चुका है। टीजर उम्मीद से बेहतर निकल कर आया है। VFX, एक्शन, BGM सब कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा है। गणपत फिल्म के टीजर से काफी पॉजिटिव वाइब आ रही है। ये वाला फ्रेम तो मेरा फेवरेट बन गया है। ये फिल्म 20 अक्टूबर को आने वाली है थिएटर्स में। जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है। डायरेक्टर उमेश शुक्ला की आने वाली फैमिली एंटरटेनर फिल्म आंख मिचोली का ट्रेलर आउट हो चुका है। ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है। ट्रेलर को देखकर काफी हंसी आ रही है। लग रहा है एक अच्छी कॉमेडी फिल्म साबित होने वाली है। ये कॉमेडी फिल्म 27 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी। देखा नागिन, नाग देवता भी नहीं चाहता कि हम सच बोले। मुंबई डायरी सीजन 2 का ट्रेलर आउट हो चुका है। ट्रेलर देखने में बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। सीजन 1 काफी अमेजिंग निकल कर आया था, तो देखते हैं सीजन 2 कैसा होता है। ये सीरीज 6 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होने वाली है। तो ये थी सभी के सभी लेटेस्ट मूवी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहां पर क्लिक करके आप लोग कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।